देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सेल के अंदर। इस टॉपिक के अंदर हम एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है और कस्टम फॉर्मेटिंग रियल में होती क्या है। सबसे पहले लास्ट जो दो क्लासेस के अंदर हमने फॉन्ट कवर करा था, क्लिपबोर्ड कवर करा था, अलाइनमेंट, ये बेसिक काम होते हैं, जैसे कि किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना और रिपोर्टें बनाना, उस जगह इन वर्डों का यूज होता है। बट जो एक्सेल में रियल चीजें वो स्टार्ट होती हैं, वो टॉपिक स्टार्ट होती है नंबर की। एक चीज आप सभी याद रख लेना, जितने लोग क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक, नंबर फॉर्मेटिंग अगर आपने आज क्लियर कर ली तो आपकी एक्सेल के अंदर एक स्ट्रॉन्गली पॉइंट जनरेट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर कुछ भी करो, सारा काम आपका नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर बेस होता है। नंबर फॉर्मेटिंग होती क्या है, आप आज डिस्कस करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा एक्सेल में कि जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो तो वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप इस बटन पे क्लिक करो, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर पहला आता है एक जनरल। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हो और इंटर मारते हो, ये जनरल फॉर्मेट होता है। या फिर मैं ये बोलूं कि जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, ये अभी फिलहाल सब जनरल फॉर्मेट में है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है? जनरल फॉर्मेट का मतलब होता है ये भी नॉर्मल फॉर्मेट है। इसके अंदर आप जैसा वर्ड लिखोगे ये उस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। जैसे आपने यहाँ अल्फा लिखा, ए बी सी डी लिखी, तो ये अपने आप को अल्फा में कवर कर लेगा। आपने इसको नंबर लिखा तो ये नंबर फॉर्मेटिंग में कवर हो जाएगा। आपने इस पर डेट लिखी तो ये डेट में कवर हो जाएगा। किसमें कवर हो जाएगा? ये आपका डेट के अंदर कवर हो जाएगा। किसमें कवर हो जाएगा? आपका डेट के अंदर। जैसे आपने नाउ लिखा, तो देखिए ये डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सेल जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये जो ब्लैंक सेल होते हैं ये जनरल फॉर्मेट होता है। मतलब जनरल फॉर्मेट का मतलब ये, इसके अंदर जैसा वर्ड लिखोगे ये उसकी प्रॉपर्टी को उसके हिसाब से तैयार कर लेगा। अगर आप अल्फा लिखेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अल्फा के बिहाफ से तैयार करेगा। अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो नंबर के बिहाफ से जनरेट करेगा। और अगर आप कोई डेट लिखोगे तो उस फॉर्मेटिंग को वो डेट के अंदर लिखेगा। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा कहीं कहीं जगहों पे क्या होता है, जब आप कोई वर्ड लिखते हो या कोई चीज टाइप करते हो ना, तो उसके बाद ना दो डेसिमल ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे यहाँ तो डेसिमल नहीं आ रहे। अब पहला जो टैब था वो हमारा जनरल टैब था। जनरल टैब मैंने आपको बता दिया कि जनरल टैब वो टैब होता है जिसके अंदर जब ब्लैंक सेल होता है वो जनरल फॉर्मेट में होता है। जैसे आप उसके तो कोई वर्ड टाइप करते हो वो फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई डेट फॉर्मेटिंग हो तो डेट में, नंबर फॉर्मेटिंग हो तो नंबर में, अल्फा फॉर्मेट में हो तो अल्फा में, ये वर्ड के हिसाब से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक मिलता है वो होता है नंबर का। ये जो हमारे पास सेकंड टॉपिक दिख रहा है ये आता है नंबर का। नंबर क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लिखते होगे 1 10, तो ऐसे शो होता है 10 डॉट। पता है वो रियल में कहाँ से इफेक्ट होता है उसका? वो रियल में नंबर से इफेक्ट होता है। अभी मैंने बोला कि जो भी आप वर्ड लिखो उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस 2 डाल देना। तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ जो भी वर्ड लिखूंगा ये उसके अंदर ना 2 डेसिमल ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा। कितने डेसिमल फिक्स कर देगा? मैं इसको ओके कर दूं, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ 2 डेसिमल आ गए। मैं लिखूंगा 5 लेकिन दिखाएगा 5.0.00। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इसको बोल दिया कि आपके इस वाले एड्रेस पे या जहां मेरा कर्सर है यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूं तो उसकी डेसिमल कितनी कर देना? 2। अगर मैं डेसिमल ज्यादा चाहता हूं तो मैं ज्यादा कर दूंगा, मैं 7 डेसिमल चाहता हूँ, और नीचे मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो वो डेसिमल आ जाएगी। मैं लिखूंगा 1 लेकिन दिखेगी मुझे वैसे। तो इस तरीके से ये डेसिमल काम करते हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे अगर ऐसी फिगर आए तो। दूसरा, इसके अंदर कुछ और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो आप रेड कलर में शो करना। अगर आपकी वैल्यू इन केस नेगेटिव होती है, आपने कोई वैल्यू टाइप करी और उसमें नेगेटिव फिगर आ रही है,
तो ये आपको रेड कलर में ओके कर देगा। अभी ओके नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करी, ऐसे क्लिक करूं और ओके। देखो जैसे ही नेगेटिव होगा रेड कलर और नेगेटिव नहीं होगा तो व्हाइट ब्लैक कलर। तो ये कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती है, ये जैसे ही कंडीशन चेंज होती है अपने आप को भी ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है, इसे बोलते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग के बाद इसमें और भी आता है नेक्स्ट, कहता है कि अगर वैल्यू माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में दिखाओ। आपने क्लिक कर एंटर मार दिया, जैसे ही आप कोई वैल्यू माइनस में लिखोगे तो ब्रैकेट्स में आ जाएगी। अब माइनस का सिंबल शो नहीं होगा, ये ब्रैकेट आपको बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में। अगर वैल्यू प्लस में होगी तो ये नंबर फॉर्मेटिंग आपको कुछ करेगा नहीं, अगर जैसे ही वैल्यू माइनस में आ गई तो ये आपको वैसे ही बता देगा। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड और गिवन है जिसमें लिखा हुआ 1000 सेपरेटर को। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नंबरिंग में तो यहाँ लिखा है यूज 1000 सेपरेटर कॉमा। आप सभी जानते हैं कि 1000 को अलग तरीके से लिखा जाता है, 1,000, ये 1000 सेपरेटर होता है। आप चाहते हो मेरे भी ऐसे है, मैंने 1200 लिखा तो ऐसे आ जाए, तो इसे बोलते हैं 1000 सेपरेट कॉमा। इसका यूज करके आप लोग कस्टम फॉर्मेटिंग इजी तरीके से कर सकते। समझ में आया अभिषेक एंड राहुल आपको? क्लियर है भैया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो टॉपिक आता है करेंसी। आपने कई जगह देखा होगा एक्सेल के अंदर करेंसी सिंबल लिखा होता है, आपने यहाँ लिख दिया अमाउंट। आप चाहते हो कि जैसे ही मैं कोई अमाउंट लिखूँ तो यहाँ मेरी करेंसी का सिंबल भी आ जाए। ठीक है, मैं अमाउंट पूरा टी टाइप नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा कीबोर्ड खराब चल रहा है। मैंने यहाँ टी लिखा और इंटर मार दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी लिखूं तो उसके आगे INR लिख के आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करा और राइट और डाउन एरो दबा दिया और मैं यहाँ गया। कहता है कौन सी करेंसी के सिंबल लोगे सर, जो भी करेंसी लेनी है वो करेंसी ले लीजिए, अगर आपकी कोई इंडियन करेंसी है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है ना, INR, और जैसे ही आप इंटर मारोगे इसके आगे INR लग जाए। इसका प्लस पॉइंट क्या, आप लिखोगे नंबर बट ये आपको विजुअल करेगा INR। याद रखना कस्टम फॉर्मेटिंग कांट बी चेंज रियलिटी, जस्ट चेंज विजुअलिटी। कस्टम फॉर्मेटिंग उस वर्ड की देखने की नजरिए को बदल देता है, बस उसकी रियल वैल्यू को कभी नहीं चेंज करता। कस्टम फॉर्मेटिंग उस वर्ड की फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है, डिस्प्ले अलग तरीके से कराता है बट उसकी रियल वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता। इसकी रियल वैल्यू 652 रुपये ही है, इसकी रियल वैल्यू 65222 ही है। खाली कस्टम फॉर्मेटिंग प्रिंट पर्पस के लिए यूज की जाती है कि अगर मैं प्रिंट निकालू तो इस तरीके से शो, अगर मैं प्रिंट निकालू तो इस तरीके से शो, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेटिंग उसकी रियल वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं करता, कस्टम फॉर्मेटिंग खाली विजुअलिटी को चेंज करता है, आपके देखने को चेंज करता है। ठीक है, चलें आगे। ओके भैया। यस सर। ये हो गए करेंसी का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंट्स। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के लिए देखिए अलग अलग तरीके होते हैं। अकाउंटिंग का मोटिव क्या है, आपने आपको एरिया सिलेक्ट करा, ठीक है, आपने वर्ड लिखा, जैसे आपने एक वर्ड लगाया लिखा रैन, कोई फार्मूला लगा दिया, ठीक है, ये फार्मूला आपने लगा दिया फिलहाल। अब आप चाहते हो कि ये जो फार्मूला है ना, या इसके अंदर जो वो फिगर है, कौन सी फिगर, जो सी जीरो फिगर है उसको आप डैश में शो करो, किसके अंदर शो कराओ, डैश के अंदर। जिसकी वैल्यू जीरो है आप उसको किसके अंदर शो कराओ, डैश के अंदर। जैसे मेरे पास ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है,
ये वैल्यू जीरो है। अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जीरो है, तो मैं चाहता हूँ कि जीरो को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उस समय आप अकाउंटिंग का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट अपने कीबोर्ड पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट एंड देन राइट एरो ऐसे एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया। अकाउंटिंग पे आइए और यहाँ से कर दीजिए सबसे नीचे होता है नन, इस पे नन कर दीजिए और ओके। जो जीरो होगा वो आपका ऑटोमेटिक डैश बन जाएगा, बट खाली विजुअल होने के लिए, और रियल वैल्यू तो इसकी जीरो ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया अकाउंटिंग का क्या यूज होता है। अकाउंटिंग में खाली जीरो को डैश में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं जीरो तो बहुत ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसा करो जीरो को आप डैश में कन्वर्ट कर दो, देन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ओके सर। अकाउंटिंग के बाद आती है डेट। आप डेट कैसे देखना चाहते हैं, चलो मैं आज कोई डेट लिख देता हूँ, आज की डेट ही डाल देता हूँ। आज हमारी 1 मई है, और जिसमें हम लेबर ऑफ डे होता है आज, ठीक है, लेबर डे होता है आज। यहाँ 5 है, मुझे इसको अलग अलग तरीके से शो करना। याद रखना डेट के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, DD पहले डेट, फिर मंथ एंड देन कॉमा ईयर। पहला फॉर्मेट ये होता है, दूसरा फॉर्मेट होता है MM कॉमा DD कॉमा YY, तीसरा फॉर्मेट होता है YY, फिर MM एंड देन DD। ये दो फॉर्मेट होते हैं हमारे, ये तीन तरीके के फॉर्मेट होता है। अब आपको डेट किस फॉर्मेट में देखनी है, आप उस फॉर्मेट में इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, अगर आप अपने कीबोर्ड पे डी एक बार टाइप करते हो तो आपको 1 दिखाएगा, मतलब जैसे आज A 1 मई है ना, तो वो आपको खाली 1 दिखाएगा। लेकिन अगर आप 2 बार डी टाइप करते हो तो विद 0 दिखाएगा, मतलब 0 1 दिखाएगा। अगर 3 बार डी टाइप करते हो तो शॉर्ट नेम में डे बताएगा कि आज कौन सा दिन है, और अगर आप फुल डालते हो तो वो आपका फुल दिखाएगा नेम, जैसे आज मंडे है तो वो आपका मंडे दिखाएगा। ठीक है, एम के लिए मंथ होता है, अगर आप एक बार एम दबाओगे तो मंथ को 1 में दिखाएगा, अगर आप 2 बार मंथ दिखाओगे तो आपको 0 1 दिखाएगा, 3 बार मंथ दिखाओगे तो वो अप्रैल दिखाएगा शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप 4 बार एम करोगे तो वो पूरा कंप्लीट क्या दिखाएगा अप्रैल, अगर आप 2 बार वाई डालोगे तो वो 16 दिखाएगा, अगर 4 बार वाई डालोगे तो 2016 दिखाएगा। अब आ जाइए मैं यहाँ पर कोई डेट लिख देता हूँ आपके अगेंस्ट, मैंने 1/5/2018 लिख दिया, और मैं गया कस्टम फॉर्मेटिंग पे। दूसरा याद रखना, जिसके आगे स्टार होता है ये बताता है कि इस जो आपका यहाँ पर डेट फॉर्मेट है वो ये है, पहले डेट है फिर मंथ है फिर ईयर है। यहाँ पर आ जाओ, पहले डेट है मंथ है फिर ईयर है, जो फॉर्मेट आपका सिस्टम पे होगा उसके आगे स्टार लग जाएगा। आप चाहते हो कि फॉर्मेट को अलग तरीके से शो करना है, वेनेसडे पहले जाते हो फुल डे आए फिर मंथ आए फिर डेट आए ये, तो आप इस पे क्लिक करो और इंटर मार दो, तो आपका पहले ट्यूजडे आ गया, मई आ गई, 01/2018। अगर किसी और फॉर्मेटिंग में देखनी है, आपने कहा मुझे ये देखनी है, तो ऐसे पहले मंथ फिर डेट, आपने कहा ऐसे पहले डे पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर इंटर, तो पहले मंथ फिर डेट एंड देन फिर ईयर, सेम यही एंड देन ये डेट के लिए यूज होता है। क्लियर है, ऐसे टाइम के लिए भी होता है, अगर आपको टाइम देखना है तो आप किस तरीके से टाइम को देखना चाहते हो तो वैसे होता है। स्टार लगा होता है इसका मतलब टाइम टेबल अभी इस तरीके का फॉलो कर रहा है, पहले आवर्स फिर मिनट एंड फिर सेकंड एंड लास्ट में AM एंड PM, फिर होती है परसेंटेज किसी के आगे आपको।
परसेंटेज लगानी है। जैसे आपने यहाँ 5 लिखा, आप चाहते हो कि मुझे परसेंटेज लगानी है, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी जाके ऊपर से भी परसेंटेज लगा सकते हैं ऐसे करके, या फिर आप इसी के अंदर जाके परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, परसेंट लग जाएगा। ठीक है, अब आती है फ्रिक्शन। ये क्या होती है, आपने कहीं देखा होगा, कहीं ऐसे मिलता 2.5 kg, इस तरीके से मिलता, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलता होगा वन वन डिवाइड बाय टू ऐसा। तो इस तरीके को करने के लिए आपको, आपने यहाँ 2.5 लिखा, आप चाहते हो कि मुझे इस तरीके से शो हो जाए इस वाले फॉर्मेट में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है एंड देन इंटर, तो इस तरीके के फॉर्मेट्स हो गए, बट ये कम यूज होता है इसलिए हम लोग उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका आता है साइंटिफिक फॉर्म। आप सभी जानते हैं कि एक्सेल के अंदर आप जो वर्ड टाइप कर सकते हो वो 12 11 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं कर सकते। जैसे आपने 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो ये अभी सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे एक वर्ड और टाइप करोगे, ये साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो इस वर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन 11 कैरेक्टर है, तो इस तरीके से उस फॉर्म में चला जाता है, तो इसे हम साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म आती है, क्लियर है। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट यूजेबल टॉपिक है, ये ज्यादा यूज होता है। टेक्स्ट का मतलब ये कि अगर आपके नंबर की लेंथ बहुत ज्यादा है वो आपको सही तरीके से दिखेगा नहीं, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका साइंटिफिक फॉर्म के अंदर आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग क्या करोगे, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे ही टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करोगे, तो उसके बाद आप उसमें कुछ भी, जैसे मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट पे गया, एंटर मार दिया, तो पूरे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूँ, कितना बड़ा भी वर्ड टाइप करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साइंटिफिक फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी टेक्स्ट बन गया। आपको पता कैसे चलता है ये टेक्स्ट बन गया, क्योंकि इसके आगे ग्रीन कलर का निशान आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, या ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है। तो अगर कभी कोई वर्ड लिखना हो लेंथी, तो पहले उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन उसके बाद उसको कीजिए। लास्ट आता है स्पेशल। स्पेशल का इतना यूज नहीं होता है, फॉरेन कंट्री में ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को सीखने की जरूरत है। ठीक है अभिषेक, आज की क्लास में हमने जितना भी सीखा है ये बेसिक था, मतलब एक स्टेप बताया कि कस्टम फॉर्मेटिंग ये हो सकता है, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट तो अब स्टार्ट होगा जो कस्टम फॉर्मेटिंग है। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट, कस्टम से, जिसमें आप प्लेस होल्डर सीखेंगे कि नंबर के लिए 0 हैश कॉमा क्वेश्चन मार्क डेसिमल और कॉमा, टैक्स के लिए स्टार एंड एट द रेट, डेट के लिए डी, एम के लिए मंथ, वाई के लिए ईयर, आवर्स के लिए एच, मिनट के लिए भी एम, और सेकंड के लिए एस, एंड देन लास्ट वन कंडीशन। ये जो लास्ट जो टॉपिक आप कस्टम देख रहे हो, कस्टम का मतलब होता है ऐसी कंडीशन बनाना जो एक्सेल में है ही नहीं, आप अपने हिसाब से जनरेट करो, बनाओ और लगाओ, तो उसे बोलते हैं कस्टम फॉर्मेट। और कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे 0 हैश क्वेश्चन मार्क डेसिमल कॉमा टैक्स एट द रेट स्टार, ये सारे प्लेस होल्डर कहलाते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, आप जैसे इस वर्ड को लगाओगे उनकी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, प्लेसमेंट का उनकी विजुअलिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो आज के लिए सर एक एग्जांपल करके